गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल राजू रीडा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आई थी आप अपना विंटर कलेक्शन दिखाइए, समर कलेक्शन। आप मेरा वीडियो देख चुके हैं सूट वगैरह की, आपको काफ़ी पसंद आई थी, तो थैंक यू सो मच उसको लाइक करने के लिए। और अब आपने कहा था कि उसमें जैसे विंटर्स के आपके जो सूट हैं उनके डिज़ाइन, उनका कलेक्शन, स्वेटर कलेक्शन और ये सब दिखाइए। तो देखिए कपड़े तो बहुत सारे हैं, ढेर सारे, सालों से, इवन शादी से लेके अब तक भी मेरे बहुत बहुत सारे कपड़े हैं। जैसे वूलन इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होते, तो कुछ चलते आ रहे हैं, बट मैं आपको कुछ कुछ जो अभी लेटेस्ट में हैं या फिर जिनके लिए मुझे ज़्यादा डिमांड आती है कि जिनके लिए आप मुझे पूछते हैं वो वाले बताइए, तो वो वाला कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आज आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कुछ कलेक्शन रखा है जो कि है मेरे रेडीमेड सूट, कुछ मैंने स्टिच कराए हैं अभी लेटेस्ट रिसेंटली, कुछ है मेरे स्वेटर, शॉल, जर्सी जो भी हैं, कहाँ कहाँ से लिए हैं ऐसे भी हैं, विद प्राइस मैं आपको कोशिश करूँगी सारी डिटेल उनके बारे में दूँ। गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आपके साथ अपना स्वेटर कलेक्शन, फिर शॉल स्टॉल कलेक्शन, लास्ट में दिखाऊंगी आपको अपने सूट्स वगैरह जो अभी रिसेंटली मैंने लिए हैं और बनवाए हैं। उनमें मोस्टली मुझे डिमांड है कि वेलवेट के किस टाइप से, क्योंकि वेलवेट के थोड़े से फैब्रिक अलग होता है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन दूंगी क्या होता है और कैसे पहनने चाहिए और कैसे बनवाने चाहिए, क्योंकि मेरे पास ढेर हैं वेलवेट के कलेक्शन, तो मैं आपके साथ शो करती हूँ। एक स्वेटर ये है ब्लैक कलर की, इस टाइप का इसका है ये वर्क, सिंपल सी है और काफ़ी गर्म में है, ये देखने में काफ़ी पतली है पर है बहुत वॉर्म में। ये मैंने ली थी लुधियाना की लोकल मार्केट से, जब मैं वहाँ रहती थी तो वहाँ से लाई थी इसको, और ये कुछ 1000 या 1200 की थी, और इसको कई साल हो गए हैं, जब कान्हा 1 या 2 साल का था तभी ली थी मैंने, ये 4-5 साल हो गए इसको घर में इजीली वॉश करती हूँ नॉर्मली, और इसके सीक्वेंस वगैरह अभी तक जो भी इस पर वर्क है वो एज इट इज़ है। ये बेबी पिंक कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली, इस टाइप का इसका नेक है और इस पर सारे में आगे एम्ब्रॉयडरी है, बैक इसकी प्लेन है, और जो एम्ब्रॉयडरी है ये भी लेस में है, और यहाँ पे स्लीव्स में भी इसमें इस टाइप की लेस दी हुई है एम्ब्रॉयडरी वाली, ठीक है, बट इसमें थोड़े से रूंगे हो गए हैं, आपको पास से दिखाऊं। और ये वाली ली थी मैंने ग्लोबल रिपब्लिक ब्रांड से, मेरी मोस्टली स्वेटर आपको वहीं से देखने को मिलेंगी, ये है विक्ट्रिया मॉल से मैंने ली है, वहाँ पर ब्रांड है ग्लोबल रिपब्लिक, तो उसी से मैं मोस्टली परचेज करती हूँ। क्या होता है 26 जनवरी के आसपास वहाँ पे सेल आ जाती है, जो एक स्वेटर 2400 रुपये की होती है, जब वहाँ पे 800 या 1000 रुपये की एक पड़ती है, तो उस टाइम पे सीज़न एंड में लेती हूँ और नेक्स्ट सीज़न में मैंने निकालती हूँ। तो उनमें से है ये वाली, ये है ग्रीन कलर की, और इस पे है, पास से दिखाऊँ, पर्ल और एक कुंदन का वर्क है, सारे में ऐसे ही हैं, इसे भी 2-3 साल हुए हैं बट इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई, इसमें सारे में रोंगे आ गए हैं। जो ग्लोबल रिपब्लिक की है, जो ग्लोबल रिपब्लिक की है ना, उसमें दिक्कत यह है कि उसमें एक दो सीज़न तो अच्छी रहती है, उसके बाद इसमें रोंगे आ जाते हैं, अगर आप हैंड वॉश करते हैं डेली इजी वॉश वगैरह, तो फिर बस एक दो सीज़न आपके पार्टी वगैरह अटेंड कराती हैं, फिर उसके बाद उसको घर में ही यूज़ कर पाते हैं, बट अच्छा मिल जाता है वहाँ पर कलेक्शन। ये वाली भी ग्लोबल रिपब्लिक की ही है और इसकी भी सेम ये है, आगे पूरे में सीक्वेंस है, स्लीव्स इसकी प्लेन है और ये है बैक। ये वैसे मैंने बहुत कम यूज़ करी है घर पे,
नहीं पहनी, बहुत कम, ये पार्टी वेयर टाइप से है तो मैं इसको ऐसे ही कहीं पहनती हूँ कभी कभार, रेयरली। तो इसमें घुंडे वगैरह नहीं आई, काफ़ी अच्छी है। और तो आपने देखी होगी दीदी के पास तो ऐसी पीच कलर में है, मेरे पास ऐसी है ये ग्रे कलर में, ब्लैक शेड लगती है इसकी। तो इनके प्राइस यही हैं, ये सेल में होती हैं, कोई 1000 की होती है, कोई 1200 की, कोई 800 की, कोई 1500 की, बस इसी रेंज में है। अब इनके प्रॉपर रेट या प्राइस तो मुझे याद नहीं है। ये भी सेम ब्रांड की है, और इसमें पास से दिखाऊं तो सारे में इस टाइप का सरोस्की वर्क है, बैक इसकी प्लेन है। ये है मेरी जैकेट और इसमें पूरे में स्टार वगैरह बने हुए हैं, जिप है। इसकी बैक तो ये भी सेम वहीं से ली थी, विचेस से, ग्लोबल रिपब्लिक से, उसी ब्रांड की है ये। मेरी कुछ कुछ हैं बाकी तो घर पहनने की, और ढेर सारी स्वेटर्स वगैरह हैं, कुछ मेरी मोंटी कार्लो का कलेक्शन है जो मेरे लुधियाना से है, कुछ वॉश होने गई हैं, बाकी आप मेरे ब्लॉग वगैरह में देखते ही हैं तो वहाँ पे भी हैं कुछ, मैंने भी इस बार मैंने निकाली भी नहीं है, और मेरी फरीदाबाद से भी काफ़ी हैं तो ऐसे रखी हुई हैं अभी। ये मैंने कुछ कुछ दिखाई हैं जो यहाँ की थी आसपास, जो आप वीडियोस वगैरह में देख लेते हैं और इनके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको अपना स्टॉल कलेक्शन, शॉल कलेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं। ये है वाइट कलर का, इस टाइप से वियर करने वाला, बहुत ही प्यारा, इसमें छोटे छोटे फर वगैरह लगे हुए हैं। ये भी मेरा लुधियाना का है, ये मैंने वहाँ की लोकल मार्केट से लिया था कई साल पहले। एक ये पोचू है डबल शेड में, पर्पल में, फ्रंट बैक से, इसमें सारे में ये पॉम पॉम वगैरह से लगे हुए हैं। ये लिया था मैंने मसूरी से, वहाँ से दिलाया था मेरे हस्बैंड ने, अभी वियर किया हुआ है। ये है मेरा सबसे फेवरेट स्टॉल, रेड कलर का है, और आप यकीन नहीं करेंगे इसको कम से कम 9 साल हो चुके हैं, हाँ क्योंकि अब मेरी शादी को 10 साल हो जाएंगे, 9 साल पुराना स्टॉल है और ये आज भी एज इट इज़ है। और ये मैंने लिया था चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की मार्केट से, जब मैं चंडीगढ़ ही रहती थी तब मेरे साथ गई थी वहाँ पर मार्केट में, तब कलर वगैरह अभी तक एज इट इज़ है। और यहाँ से भी दिखा दूँ, ये बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं इसको, मैं निकाल के दिखाती हूँ एक्चुअली, तो ये बैक साइड से भी यूज़ कर सकते हैं इसको और फ्रंट से भी। और ये बहुत ही लाइट वेट है, मुझे बहुत पसंद है, इसे कितना ही हाथ से धो लो, इजी वॉश कर लो, ये इसमें शाइन और इसका फैब्रिक एज इट इज़ बना रहता है। और ये बहुत ही कम प्राइस का था उस टाइम पर, शायद ये 600 में कुछ ऐसे ही आया था, तो उस टाइम तो ठीक ठाक लगा था 9 साल पहले के, चलो 600 रुपये का है ठीक है, अच्छा लगा था मुझे इसका कलर प्रिंट, पर ये नहीं पता था ये इतने साल चल जाएगा। एक पार्टी वेयर स्टॉल, वेलवेट में है ये, ब्लू कलर का, सारे पे सिरोस्की वर्क है, और यहाँ इसमें बनी हुई है पूरी ये सिरोस्की से। का सीन है ये, तो मैंने ली थी भाई की शादी में, और ये लिया था मैंने लिबास कलेक्शन सीमती वाले ग्रुप से, अभी भी आते रहते हैं वहां पे ये स्टॉल वगैरह, बट मैं ले चुकी हूँ जो बहुत प्यारा है ये, और किसी ये लाइट कलर के सूट वगैरह के साथ बहुत अच्छा लगेगा ये वैसे वियर करने में, तो मैंने शादी में ही वियर करा था। एक है ये ग्रीन कलर का, और इस पर ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी है, ये मेरी शादी के टाइम का है,
तो इनको तो ऐसे जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है घर वर में पहनने में इस टाइप से यूज़ में आ जाते हैं ये, या ये चलते हैं साड़ी वगैरह के साथ। तो इस टाइप के अभी मेरे कई सारे स्टॉल रखे हैं जो मेरी शादी के टाइम के हैं। ये है एक वूलन में, बहुत ही सॉफ्ट है और इस पर ये सब स्पार्कल इसमें फैब्रिक में अंदर ही है जो आपको शाइन दिख रही है। ये भी थोड़ा पार्टी वेयर टाइप से ही है, मैंने यूज़ ही कम करा है अभी कहीं पर। ये लाई थी मम्मी, लाई थी लास्ट ईयर बीच ईयर से ही लाई थी, जो हमारे सबके पास है। मेरे पास रेड है, ग्रे है, ऐसे ऐसे स्टॉल हैं इनके। तो आपने देखा होगा मेरा मोस्टली कलेक्शन वही का है, क्योंकि अब जब वहाँ सेल आएगी तो सेल में हम चले जाएंगे और सेल में लेके आएंगे। अब इस बार तो पता नहीं, बट हर साल हम 26 जनवरी के आसपास सेल से वहाँ से लेके आ जाते हैं। ये एक है ये वाला, ये काफी वार्म में है, बहुत ज्यादा गर्म है ये वाला स्टॉल। इसमें है नेक पे फर लगे हुए हैं, बहुत सॉफ्ट फर है। वियर करके दिखाती हूँ, ये इस टाइप का है। तो इसको इस टाइप से वियर करने वाला है ये। ये इसके नेक पे आते हैं और ये इसके नीचे है पॉम पॉम, और ये काफ़ी वार्म है इसका, बहुत ही गर्म कपड़ा है इसका फैब्रिक जो है। तो ये वाला हमने लिया था फरीदाबाद से। तो ये वाला थोड़ा कॉस्टली है, ये उस टाइम पे लिया था 2000 के करीब था, वहाँ पे लोकल मार्केट से लिया था, बट बहुत अच्छा था, एकदम लेटेस्ट चला था। नीचे पॉम पॉम वगैरह ऐसे लटके हुए हैं, वार्म में है, नेक पे फर है। अब तो ये बहुत आ गए हैं और प्राइस भी इनके कम हो गए, बट 2 साल पहले ये तब लेटेस्ट चले थे। मेरे पास येलो रेड में है, दी के पास येलो में है, और ऐसा ही इससे मिलता जुलता ही भाभी के पास है, वो बेबी पिंक शेड में है। बहुत ही वार्म में है, इतना पतला सा लगता है बट ये बहुत बहुत ज़्यादा वार्म है। ये लिया था मम्मी ने, जो कश्मीरी वगैरह आते हैं उनसे, फरीदाबाद से। ये बस चेक में है प्लेन, और जब आप कहीं जा रहे हैं कहीं ठंडी जगह में, जैसे कहीं घूमने गई हूँ ना ठंडी जगह में, तो मैंने ये कैरी किया है और ये बहुत ही वार्म है। ये आया था 1500 या 2000 की रेंज में ही था ये वाला भी शायद, बट बहुत ज़्यादा वार्म में है। ये वाला मेरा सबसे लेट, तो ये वाला इस बार ही लिया है, मॉल से ही लिया है। नॉर्मली 8800 की रेंज में है कुछ, और बहुत सॉफ्ट है। इसका प्रिंट वगैरह थोड़ा अलग है, शेड्स अलग हैं, इस टाइप का मेरे पास था नहीं तो मैंने ये मंगाया। और एक ये वाला स्टॉल, ये तो आपने देखा ही था, अभी मैंने बर्थडे पे वियर करा था, जीजू के बर्थडे पे। ये जो मेरा रेड है उसी से मिलता जुलता है, इसको अभी मेरे हस्बैंड लेके आए थे, दिल्ली से ही लिया था उन्होंने, कहीं गए थे फ्रेंड्स के साथ जो शॉपिंग करने गए थे, हाँ वहाँ से लाए थे। तो ये भी इस टाइप का है, इसके नेक पे फर है पूरे में, और इसमें पूरे में सिरोस्की लगी हुई है। इसके नीचे बस वो नहीं है पम पम, उसका ग्रे शेड है। तो इस टाइप की, ये भी काफ़ी वार्म में है। और इस वाले का प्राइस मुझे नहीं पता, क्योंकि ये हस्बैंड लेके आए थे। तो ये हो गए मेरे स्वेटर और स्टॉल कलेक्शन, शॉल कलेक्शन। तो गाइज इस वीडियो को करती हूँ एंड, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगी सूट वाला, तब तक के लिए बाय बाय।